जींद ने सारे गनखरेडू कह दिया कि पिछड़ा हुआ, लेकिन वास्तव में जो राजनीति शुरू हुआ वह जींद से शुरू हुआ है। बिल्कुल सेंटर कहा जावे है कि जींद, लेकिन जींद में विकास भी इतना ना हो रखा है, इस बात में भी मैं कहूंगी। हालांकि बहुत सारे नेता में है जामे है, लेकिन विकास इतना नहीं हुआ है जींद का। तो कुसुम बी ए कर ली मास कम्युनिकेशन, फिर एम ए करी, रविंदर कित मिला जो सवाल है उसका जवाब हो गया, मिले कहाँ पे कैसे हुए वो जानना चाहते हैं ना। ये तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप वो शॉर्ट टर्म में बता दो ना। चलो जी, इसका जवाब ना ये भगवान, ना उस टाइम तो ऐसा कुछ विचार दिमाग में आया नहीं था। मैं तो बताने तो लग रहा, पहला जो शब्द था ना मेरे मुंह था, मेरा दोस्त साथ में बैठा था, मैंने गिले नुका था, मैं देखिए कितनी बोल रही चोरी और कति नहीं घबरा रही, मतलब ठेठ बोल रहा खुल कर कुसुम। तो पहला जो मेरा वो था ना देखते कुसुम को, यो था वो कितनी बोल रही है यार, खुल का बोल रही है पूरी, सारा काम देखने लग रहा। मेरे सत्ताऊ का छोरा उन्हें भेजी थी वीडियो, तो मेरी तरफ से तो पहली मुलाकात वहाँ थी। हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमित ढांडा और आप देख रहे हैं दा मोर्चा। आज हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सारे जानो इन्हें कुसुम गोयत है और उनके इस बैंड रविंदर जी हैं। तो कुसुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद और राम राम सारे दर्शक ने मेरी तरफ तय दा मोर्चा चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं। तो कैसा लगा आज आपको हमारे चैनल पर आ गया? बढ़िया लग रहा है देखो, और सबसे बढ़िया तो नू लग रहा है क्योंकि अमित जो है मेरा जूनियर है और जब आप नू फीलिंग आवे कि भाई हाँ, जब मेरे तय मतलब हमारा जूनियर इस मुकाम पर पहुँचे है ना कि भाई इसने इतना बड़ा ऑफिस कर लिया, हालांकि माँ जो ऑफिस देखने आई थी तो फिर इसने मौका का फायदा ठह लिया बोले इंटरव्यू भी करूँगा मैं, कोई बात नहीं। तो भाई अच्छा लगा है नू देख कर ना ये सारी चीज़। रविंद्र जी आपको कैसा लगा आज हमारे ऑफिस पे आके? बहुत अच्छा लगा, और मतलब कम ही टाइम में आपने इतना अच्छा मुकाम बना लिया, ऑफिस इतना बढ़िया बना लिया और काफ़ी सेटअप जोड़ रहे हो, तो ऐसे ही कामयाबी की ओर बढ़ते रहो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुसुम जी आज आप बात करेंगे लड़के के ऊपर। अच्छा। आप भी एक लड़की हो, तो इस मुकाम तक पहुँचने का मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी? और ये बोला ना, एक लड़की को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। गाँव तो बिलोंग करो आप, और गांव में ये हो कि 10 लड़के लग बार में करो आदि, और मतलब बीए तक भी जुकर बीए करने खातर भी पापा मनाना, माँ मनानी, भाई बड़ा हो रहा तो भाई का मनाना, भाई मैंने करनी है पढ़नी है, तो क्या कहना आपका? बिल्कुल सही कहो अमित, देख बहुत मुश्किल हो जाए है एक छोरी ना, हालांकि आज का टाइम में इतनी मुश्किल बात ना है, आज का टाइम में तो नो है, लेकिन 7-8 साल पहले, हालांकि गनखरी जगह पे तो शहरा में तो 7-8 साल पहले भी इतनी बात ना थी, लेकिन गामा में तो थी, खास करके जींद में। जींद ने सारे गनखरेडू कह दिया कि पिछड़ा हुआ, लेकिन वास्तव में जो राजनीति शुरू हुआ वह जींद से शुरू हुआ है। बिल्कुल सेंटर कहा जावे है कि जींद, लेकिन जींद में विकास भी इतना ना हो रखा है, इस बात में भी मैं कहूँगी। हालांकि बहुत सारे नेता में है जामे है, लेकिन विकास इतना नहीं हुआ है जींद का। लेकिन वो है इब अपना मुद्दा तो यो है कि भाई लड़कियाँ के बारे में, लड़कियाँ ने बहुत परेशानी हो वह है, बहुत नो हो वह है कि भाई हाँ अगर के मानेंगे के ना मानेंगे, मने भी बहुत हुई थी। और रख तो मैं के कहूँ कि भाई देखो सब ना अपनी अपनी बेरस है, तो मैंने भी अपनी बेरा है कि भाई मैं एक छोरी हूँ गांव की, और मने भी कितनी सारी परेशानी हुई थी कि भाई कुकर कुकर पढ़ना है, क्योंकि प्लस टू कर दे नो हो जा करदा कि भाई बस प्लस टू कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई कर ली एले बस, क्योंकि आईटीआई देखो लो है अपने पटियाला चौक पर उसने करवा दिया कर दे, लेकिन कॉलेज में बस स्टैंड दो कॉलेज अपना कॉलेज में गालना, और फिर कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी और भी आगे है CRSU उसमें गालना बहुत बड़ी नुकरा कर दे। लेकिन वह मैंने अच्छा लगा है कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया, भरोसा कराया कि भाई हाँ छोरी पढ़े है, अगर ठीक ठाक पढ़े गई तो आगे पढ़ा देंगे नू कह कर दे मैंने तो। और एक बात और, मेरी मम्मी नू कह कर दी तेना यू चीज़ दवाऊँगी, यू चीज़ दवाऊँगी, स्कूटी का लालच दिया कर दी, लेकिन आज तक मेरी स्कूटी नहीं आई। तो भाई दशकान एक बात और बता दूँ, कुसुम गोयत ने मास कम्युनिकेशन किया मास्टर, और कुसुम गोयत गोल्ड मेडल से रही है ना। हाँ। ये बात पता नहीं है, मैंने बताई आज पहली बार। अच्छा हाँ, CRSU यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, देखो मेहनत करोगे तो सारा सौदा होगा, और जो मैं कॉलेज में थी उसमें भी मैं फर्स्ट पोजीशन पर रही हूँ, और प्लस टू में भी मैं फर्स्ट पोजीशन पर रही हूँ, और प्लस वन तक रही हूँ, बाकी तो मैं पास होने आई हूँ, यानी प्लस वन तक फर्स्ट पोजीशन पर रही हूँ, आगे जितने भी कोर्स वगैरह करे हैं GI में भी। तो कुसुम जो
पहले की जिंदगी थी, आरिफ शादी के बाद की जिंदगी है। पहले यूनिवर्सिटी में जा कर दे, बार फील्ड में जा कर दे, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना कर दे, है ना। पहले ध्यान होता बस उधर मेल में गए थे, गंडा की ट्रेली पर चढ़ाई थी तुम ध्यान है। तो उस लाइफ में आरिफ की लाइफ में कितना अंतर आ रहा है देखो, इसका सारी याद आनी। गंडा की ट्रेली पर सुगरी मिल में माम गए थे एक बार प्रोग्राम करने, इनने तो किसी ने कैमरा नहीं आओ चलाना, मैं कैमरा ले गई, इतना बड़ा कैमरा हूँ और ट्रेली पर चढ़ा दी। इतनी ऊंची ट्रेली थी, लेकिन वो भी अच्छी थी। यानी कि देखो उस टाइम मेहनत करी है ना, तो उस मेहनत का फल आज मिल रहा है। तो फिर वह मेहनत है ना बेकार नहीं जानती, कदे भी आप मेहनत कराना। मैंने नू आया करता जब शुरू में, हाय देख मैं कितनी मेहनत करूँ दिन रात, गर्मी में इतनी नू तपत में नुआंडू हूँ, मेरा नहीं कुछ सीखूंगी के कुछ सीखूंगी के। हालांकि सीखा कर दे, घर भी मैं प्रैक्टिस करा कर दी सारी चीज़ा की, लेकिन वो चीज़ ना ये मैं याद करूँ ना तो नू आवे कि हाँ वो मेहनत का फल आज मिल रहा है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। कौन सा मतलब माता यूनिवर्सिटी टाइम हो जो कर याद करके उस चीज़ ना हंसी आ जाओ, या मतलब वो एक पल नहीं आ गया जो आया। एक तो आप मेरा ध्यान है, जो मेरे तो ध्यान है थोड़ा थोड़ा, आप एक टूर पे गए थे टीचर्स लेके थे अपन, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, यमुनानगर थी या पता नहीं कहाँ पे थी, सारे गए थे आप फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी, उड़ा इनाम मिला था तेरा, उसने फोटो ने भी आया था, मनीषा भी थी तुम्हारी क्लास वाली, वो फरीदाबाद तो उड़े गए थे मैम। और प्रोग्राम उड़ा है ना, वो था कंपटीशन था एक, यानी कि शॉर्ट फिल्म फोटोग्राफी का वीडियोग्राफी मतलब ऐसा ऐसा कंपटीशन था, उसमें ना हमने भी भाग ले रखा था। यानी कि मैंने दो चीज़ों में भाग लिया था, एक तो शॉर्ट मूवी बनाई थी उसमें मेरी टीम में मैं थी, अमित था, रेनू थी और अरुण था और एक रितु भी थी, तीन चार पाँच छः जने थे मैम। हमारी वीडियो सेकंड पोजीशन पर आई थी और एक फोटोग्राफी का लिया था, फोटोग्राफी में भी सेकंड पोजीशन पर, फोटोग्राफी में फर्स्ट पोजीशन पाई थी। यानी कि कई सारी उसमें भाग लिया था मैम ने, मैम कम से कम भी 7-8 प्राइज लेकर आए थे, है ना। अब तो फिर वो भी लम्हा बहुत अच्छा था। तो कुसुम बी ए कर ली मास कम्युनिकेशन, थे फिर एम ए करी, रविंदर कित मिला मतलब दर्शक जानना चाहते हैं, पूरा हरियाणा जानना चाहो, मतलब रविंद्र को कटोया, मतलब सारे थे एम ए, देख बी ए कर ली बी ए में भी थे लड़के, है ना, एम ए कर लीजिए एम ए हम भी थे, तो मतलब रविंद्र मतलब क्लास में थे हम भी, तो रविंद्र को कर पाया हम भी थे मतलब क्लास में, मतलब बालक सारे थे ना यूनिवर्सिटी में, तो रविंद्र को कर पाया मतलब देख ले मैंने यूनिवर्सिटी तक कर ली, कभी मैं कभी भी कहीं भी थी उसी तो जब ये तो पूछना चाहूँ मैं रविंद्र को कर पाया नहीं देखो पाया के किस्मत, जब किस्मत में लिखा ना कि भाई अब तेरा शादी होगी तेरा ब्याह होगा हरियाणवी में, तो नुए कहा करा है, तो उस टाइम होए जाया करा है, जोड़ी तो ऊपर तक बनका आया करा है। और भगवान देखो भाई जितने दर्शक है वे देख के बताए देवेंगे कि भाई हमारी भी जोड़ी तमने ठीक भी लग है या ना लग दी हो, तो कमेंट में बता दियो तम, लेकिन नु है ठीक है, मैंने भी अच्छा ये जो रविंद्र जी हैं बहुत बढ़िया सहयोग दे हैं मैंने। और आपने मेरे जो सवाल है उसका जवाब दिया, मिले कहाँ पे कैसे हुए वो जानना चाहते हैं ना, ये तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप वो शॉर्ट टर्म में बता दो ना। चलो जी इसका जवाब ना ये भगवान जी देंगे। हाँ जी, मिले तो देखो मैंने जो कुसुम पहली बार देखी थी ना, एक वीडियो थी हमारे गांव के साइड जा रही थी कुसुम, तो वहाँ गांव की वीडियो करी थी, किले डूब गए थे पानी में, तो मैं और मेरा जो खास दोस्त था हम बैठे थे, तो एकदम तो कुसुम की वीडियो आ गई, राम राम सारा ने मैं उतारा गला कुसुम, एकदम तो नुआ हुआ वहाँ सुनते, मैं देखी यार कितनी बोल रही है छोरी, मैं अपने दोस्त भी बोल लिया, तो पहली तो मुलाकात वो ही वीडियो देख के आपने लगा ब्याह करूंगा तो स्टोरी तो करूंगा ना, उस टाइम तो ऐसा कुछ विचार दिमाग में आया नहीं था, मैं तो बताने तो लग रहा हाँ। पहला जो शब्द था ना मेरे मुंह था, मेरा दोस्त साथ में बैठा था, मैंने गिले नुका था, मैं कितनी बोल रही छोरी और कती नहीं घबरा रही हूँ, मतलब ठेठ बोल रहा खुल के कुसुम, तो पहला जो मेरा वो था ना देखते कुसुम को यो था, वो कितनी बोल रही है यार खुल का बोल रही है पूरी, सारा गांव देखने लाग रहा, मेरा ताऊ का छोरा उन्हें भेजी थी वीडियो, तो मेरी तरफ से तो पहली मुलाकात वह थी, पहली बार मैंने देखी थी, वो गहराई वाली मुलाकात कद हुई, गहराई वाली मतलब हमारी बात पहली बार हुई थी इंस्टाग्राम पर हुई थी, पहली बार हमारी बात हाँ कुसुम से, वैसे कुसुम तूने रिप्लाई कुकर कर दिया इंस्टाग्राम पर, तो दिया ही नहीं कर दी बेरा नहीं कुकर बाई चांस नु ही हो जावे जब होना हुआ तो संजोग जो ऊपर वाला संजोग लिखा ना वो तो देखो कोई रोक नहीं सकता, पहली बार तो इंस्टाग्राम पर बात हुई, पहली बार गलती था इनको मेरे फॉलो मतलब मैंने प्राइवेसी लगा रखी, कोई फॉलो करेगा तो मेरे पास रिक्वेस्ट आओगी फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा तब मेरी प्रोफाइल देख पाओगा, तो इन्हें पता नहीं कैसे गलती से होगी थी कुसुम पे, गलती भी कुसुम पे कुसुम
नहीं देखो आप ना, वैसे मैं बहुत कम यूज़ किया करूँ, कभी कभी यूज़ किया करूँ फेसबुक इंस्टाग्राम, इब तो नो है मैं वीडियो वगैरह डालना तो कर लूँ, लेकिन जब इतना बेरा भी कौन था कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर के चल रहा है, नो नो किसी पर क्लिक हो जाए तो फिर नहीं, एक बार होकर ना फिर दोबारा वो नहीं कर दिया करके अनफॉलो, वो भी कर दिया था मैंने। हाँ ना एक बार तो नोटिफिकेशन आ जाए, वहाँ तो पहली बात चीज शुरू हुई थी हूँ तो स्टोरी बहुत बड़ी है फिर आखिर तो आपके सामने है सारी जनता देखा है तो कुछ लव मैरिज या फिर यह वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, या वीडियो कदे स्पेशल वेट कर क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा, अमित ने भी बाहर जाना है, मैं भी जाना है, तो स्पेशल वीडियो बनेगी या किसी और दिन। बिल्कुल एक दिन स्पेशल दिखाऊंगा आपने, उसका टाइटल भी होगा कुसुम गोहित की लव स्टोरी, है ना, सही नहीं है? तो मर्जी है तेरी। तो एक बात और पता मैंने, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कितना फर्क है? फर्क तो नो है कि जड़े मम्मी पापा राजी हो ना वो मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जो है गलत आदमी नहीं ढूंढेगा। अगर लव मैरिज भी आप करा है ना तो मम्मी पापा तो बता देना चाहिए कि भाई मैंने यू यू छोरा पसंद है, या फिर छोरा भी अपने मम्मी पापा तो बता देना चाहिए या छोरी पसंद है। अगर दोनों फैमिली ठीक है, राजी है, हाँ भाई ठीक है, सब कुछ मिला है अपने, कोई क्या ही चीज़ की भी नू ना है कि भाई यू चीज़ नहीं मिलती, नू मिलती बतेरी चीज़ देखा है अपने, है ना, तो भाई उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नू नहीं करना चाहिए किसी छोरी ने, कोई छोरा पसंद है वो अपने मम्मी पापा तो बता दे है और मम्मी पापा नेट देवे हैं, छोरे के भी मम्मी पापा नेट देवे हैं, फिर वे दोनों बैज करने ब्याह कर लेवे, यह गलत बात है। और मैं भी इसका नू कहूँगी कि भाई गनखरे तो नू कहेंगे एक भी ना कुछ गलत बोले तो बिल्कुल नहीं, देखो सबकी अपनी राय हो, मैं भी अपनी राय दे हूँ, लेकिन मन ना यह चीज़ थोड़ी अच्छी सी नहीं लगती, क्योंकि देखो उसमें अपने जो मम्मी पापा देखो इतनी 25-26 साल की छोरी बड़ी करे है, इतना पढ़ावे लिखावे, उनकी मेहनत होवे वहाँ, उतनी मेहनत के पे ऊपर पानी फेर के नू बाज है छोरी, तो वो बहुत बड़ा काम, बहुत गलत बात हो है। और छोरा की भी बदनामी हो कहता छोरा का के बिगड़ेगा, छोरा का भी बिगड़ा है, उसके आसपास परिवार पड़ोसी सब में हो है कि भाई देखो वो भी तो कितियन कितिया जावे है, और फिर रिश्ता टूट जाए वो अलग बात। तो भाई देखो मम्मी पापा की मर्जी तय, यानी पूरे परिवार की मर्जी तय होना चाहिए। मेरा तो एक पुत्र घर का नाते मेरा यो कहना है, देखो लव मैरिज गलत ना होती, हाँ, अगर आपको कोई पसंद है ना आप घर वाले से बात करो, देख किसी के घर वाले बड़का के दुश्मन होते हैं वाले बात, पढ़ावे हैं लिखावे हैं, है ना, 25-26 साल का बालक ने कर दे हैं तो उन तक बता दो आप ऐसे ऐसे, वो देख लेंगे जो ठीक होगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आई थिंक किसी के घर कहना भी ना होते है ना, और होती भी हो तो बड़का में इतना दम होना चाहिए कि जो अपने माता पिता है मना ले, बिल्कुल, और मान भी जाऊंगे जब इतनी सारी चीज मानना, तो इस चीज में तो बहुत बहुत कम हो गया, पहले तो काफी 8-10 साल पहले तो बहुत ज्यादा नू था, इब का टाइम में तो नू है मान जावे लगभग। मेरा इस बारे में कहना है खुद को ना सक्सेसफुल बनाओ, अगर हम स्टैंड पे होंगे ना और हमारे अंदर इतना दम होगा, नेक्स्ट परिवार को भी लगेगा कि हाँ भाई बंदे में कुछ है, एक स्टैंड है बंदे का, तो वो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और रही दूसरी बात, देखो एक मतलब प्रैक्टिकल सी चीज है, हम कोई मतलब बाजार से खिलौना भी ले आए ना और मम्मी पापा तो धक्के तो जिद करके ले आए वा, उस खिलौने में थोड़ी सी भी खराबी आ गई ना तो मम्मी पापा एक तो थप्पड़ मारेंगे पहला, फिर दूसरा उनको कहूंगे देख कहूं थी ना माए नू है हर तरह जिद करके लिया, एक वो है मम्मी पापा अपनी खुशी तक कोई चीज दिला के लाऊंगे ना टूट फूट भी गया, मम्मी पापा उसने संजोड़ लग जाएंगे, उसने ठीक करने लग जाएंगे कि हमने दुआया है, तो यो ये चीज अपने रिश्ते में भी लागू हुआ है ना, मम्मी पापा अगर उनकी मर्जी से सारी चीज होंगी ना तो वो इस रिश्ते को संजो कर रखेंगे, लेकिन अगर हम खुद जिद करके और बजा के ले आऊं वही बात है लव मैरिज कर ली तो उसमें फिर मम्मी पापा उस चीज ने फिर तोड़ दो, देर कौन लावे, है ना। अरे मम्मी पापा देखो आपा काम कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं, एक महीने की कमाई हमारी कोई ले जाना हम तो छीन गए तो मतलब इतना गुस्सा हो जाएगा और मतलब बहुत ज्यादा अट करेगी वह चीज, तो हम तो उनकी जीवन भर की कमाई है, हमारे जीवन भर की कमाई कोई एक मिनट में ले जाएगा तो उन पर के बीतेगी। कुछ हम एक खापा की बात करांगे, हरियाणवी पुरानी संस्कृति की बात करेंगे, तू हरियाणवी संस्कृति ना प्रमोट करे है ना और काम भी बड़ा अच्छा करिए हरियाणवी संस्कृति को, मतलब बोल रहे हैं बोली भी हरियाणवी अपनी, लेकिन जो एक चीज़ हो रही है ना जो खाप है उनका इतना महत्व नहीं रहा है ना, जो पहले फैसले हो जा रहे थे पंचायतों के अंदर, और एक नंबर दो जो गम गुआंड में ब्याह है, मतलब यही जो लव मैरिज का टॉपिक है, चलो आप मेरा ये मानना कि आप बाहर करो आपके एरिया से, लेकिन गम गुआंड की सारी बेबे हुए हैं और मानना भी चाहिए शुरू से, इस चीज़ पर क्या कहना है? या तो देखो सही बात है, लेकिन नू है सबके अपनी अपनी राय हो है, मैं कुछ कह दूँ सामने वाला कुछ और समझता हो, लेकिन नू है कि ठीक है अपने गांव तो गांव की तो सारी बेबे हो है, इस बारे में तो बस मैं नू ये कहूँगी, क्योंकि गांव है
हाँ बिल्कुल, और सुनन में भी बहुत सारे बहुत मिली है बहुत, और अभी हो रही है ना, अभी हो रही है गांव की गांव में फलाना फलाना, लेकिन वो है गांव के तो कोई सा भी हो किसी भी कास्ट के हो भाई हो हैं, और छोरिया की लाऊं तो बेबे हो है, जड़े तक मेरा मानना है, बाकी दर्शक जो भी कुछ अपनी अपनी राय हो है, लेकिन मेरा यूँ मानना है कि देखो गाँव की गाँव में तो देखो भाई और बेबे हो गए। हाँ चलो जी, आप दोनों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद है, आप हमारे ऑफिस पर आए और ऑफिस पे मैंने आपका इंट्रो भी ले लिया है ना, ऑफिस की विजिट करने आए थे फिर मैंने वहाँ इंट्रो कर लिया। वहाँ ऑफिस बहुत बढ़िया बना रखा हम इतना, देखो मेहनत करी है इसने भी, क्योंकि मैंने बेरा है शुरू तय, हालांकि शुरू में तो हम निकल गए थे, ये एक साल और इन्होंने स्टडी करी फिर बाद में, और इनके जूनियर किसे आए मैंने नहीं बेरा, लेकिन मारे जूनियर जो थे एक नंबर के थे, कदे भी मामने नो फीलिंग नहीं आए कि भाई ये तो नू है नू है, बहुत अच्छे जूनियर थे, और सीनियर भी जो थे हमारे वो भी बहुत अच्छे थे, और मेहनत करके ना यार तक पहुंचे हैं अमित, मन तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारे क्लासमेट थे उसमें सिर्फ एक अमित है जो यार तक पहुंच पाया, बाकी जो मेरे क्लासमेट थे या मेरे जूनियर थे वे सारे एक दो तो कुछ किसी और लाइन में काम करे है, लेकिन बाकी लगभग नो है घर आए अपना नॉर्मल खेती खाती सी करे है ना। तो क्या संदेश देना चाहोगे यूथ ने भी लड़कियां ने भी और दा मोर्चा चैनल के दर्शकों ने? दा मोर्चा देखने वाले जितने भी दर्शक है सारे ने राम राम, और सारे तो मैं कहूँगी चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, तो हमने बहुत सारी हर तरीके की जो खबर है वो यार देखने मिलेगी, हालांकि शुरू में तो हमने देखी होगी बहुत सारी खबरें, लेकिन ईब तो हमने एक तो एक बढ़ के खबर इंटरव्यू सब कुछ देखने मिलेगा, मनोरंजन भी तारा इस चैनल पर होगा, क्योंकि ईब सेटअप बड़ा हो गया है, ऑफिस बड़ा हो गया है, ऑफिस में अगर तुम कोई जानकारी देना चाहो तो भाई DRD के सामने इनका ऑफिस है दा मोर्चा का, हर कोई बता देगा, क्योंकि जींद में लगभग पत्रकार सारे जाना है क्योंकि जींद का ऑफिस है इनका, और उन दर्शक तय आम जो यूथ है खासकर की छोरी उन तय मैं कहूँगी छोरी आता है कि भाई अपना सेटअप बनाओ, यानी कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ फिर शादीकरण का ठीक है, यानी कि देखो अगर तुम पढ़िया पढ़ लिख लोगी ना और जॉब भी लग जोगी तो तारी आगे जो जाओगे ना जित भी तुम जाओगे ससुराल में उड़े इज्जत और बढ़ेगी, जड़े तक मन ने बेरा है पढ़ी लिखी की और भी ज़्यादा इज्जत होया करे, लेकिन नु है कि भाई पढ़ लिख लोगी तो तारी भी इज्जत आगे भी तारी इज्जत होगी, लेकिन जो थोड़ा सा लो लैज है ना तो उनकी थोड़ा सा हो जाए कसर, लेकिन ठीक है बाकी तो हम अपने मेहनत करो जारी रखो और दा मोर्चा चैनल देख दे रहो। हाँ जी मैं तो नुआ कहूँगा देखो कामयाब बनो, क्योंकि यह उम्र हो है जिसमें हम पोटेंशियल हो है काम करने का, शक्ति भी इस उम्र में हो, एक उम्र में आगे तो नू हो जाए अखाए तो बैठे बैठे अपना कमाई आ जाओ, तो नुए चाहो ना 40-45 की उम्र में हमारी कमाई नु बैठे बैठे सी आ जाए थोड़ी, तो इब्बे मेहनत कर लो, जितनी मेहनत कर लोगे उतनी सफलता आगे मिलेगी। तो भाई हमने वीडियो किसी लागी बड़ा यो एंटरटेनमेंट का इंट्रो सा करे हमने, फनी का इंट्रो ना कहवा गया, बातचीत सी कहवा गया नॉर्मली मारी है ना, पुरानी यादें थी गेल पड़ रहे हैं, तो आपकी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में दो, और एक दिन फुर्सत है बैठा के दोनों आने रविंद्र जी भी और कुसुम भी है, तो इनकी लव स्टोरी है वो दाम कमेंट में बता दियो, कितने लोग जानना चाहो है तो आपने दाम मोर्चा व्यवहार बहुत जल्दी दिखावांगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।